पास इतने पैसे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी सफलता के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह गजब बेइज्जती है। इसी बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप पड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी तो गेम बजाना अधिकारी है, जबकि वो ग्राम पंचायत विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। एसडीएम ज्योति मौर्य का ये भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। उनका ये भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवैया अचानक बदल गया। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उनका ये भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं। जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं और इसी वजह से वो लगातार उनके और उनके परिवार को परेशान कर रही हैं। हालांकि दोनों का झगड़ा फैमिली कोर्ट में है। और यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका ये भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका व्हाट्सएप हैक किया और सारी चैट अपने मोबाइल पर ले ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने ये भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और उनसे एक बड़ी रकम की डिमांड की। आरोप है कि मना करने पर आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। और पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। और यही नहीं, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर घूस लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। सबूत के तौर पर आलोक ने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और आरोप लगाया कि इस डायरी में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य हर महीने वसूली के जरिए मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार ने मीडिया में जो डायरी दी उसमें हर पेज पर ऊपर और नीचे स्वास्तिक बना दिखा। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला इसका हिसाब भी लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।